आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो गाइस, द क्वेश्चन हियर सेज राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो हमें इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम बताना है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो कंपाउंड है ये इन दो कार्बन से इन दो साइक्लिक रिंग को फ्यूज कर रहा है, मतलब दोनों को ज्वाइन करके रखा है। तो इस तरह के कंपाउंड को हम बोलते हैं बायसाइक्लिक कंपाउंड। अब बायसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है कि जो हमारे ये कार्बन है, जहाँ से ये दो कार्बन जो दो रिंग है वो फ्यूज हो रही है, उस कार्बन को हम बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन्स। अब ब्रिज हेड कार्बन्स भी क्या होता है, हम नंबरिंग जो भी शुरू करते हैं वो यहीं से करते हैं, ठीक है, और लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। तो अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करूँ तो इस तरह डबल बॉन्ड को कम प्रेफरेंस मिलेगी, हमें लोएस्ट लोकन रूल के अकॉर्डिंग इसे कम नंबरिंग देनी है, तो हम नंबरिंग यहीं से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करते हैं हम, 4, 5, 6, ठीक है, सारे चेन सेलेक्ट हो गए। अब जो आउटर प्लेन पे कार्बन लाई कर रहा है दिस वन, इसको 7 नंबरिंग देंगे। क्लियर। अब देखते हैं, सबसे पहले जो हमें फर्स्ट स्टेप में बायसाइक्लिक कंपाउंड की करना है वो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कैलकुलेट करने हैं, कितने हैं, वो थे 7, ठीक है, आउटर प्लेन वाले को भी मिलाकर। तो यहाँ पर जो हमारा वर्ड रूट होगा यूज होगा वो होगा हेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, 2 पोजीशन पर हमारा डबल बॉन्ड भी है, तो वो भी हमें इसी मेन चेन में इंक्लूड करके लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया सफिक्स। अब देखिए, जो हमारा पाथ लेंथ है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम पाथ लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो ब्रिज हेड कार्बन हैं जैसे 1 और 4 पोजीशन पर, उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखेंगे। तो राइट हैंड साइड पे हमारे 2 कार्बन हैं 2 और 3 पोजीशन पर, और लेफ्ट हैंड साइड 5 और 6 पोजीशन पर भी कार्बन हैं। तो इनकी लेंथ देखेंगे, एक जगह 2 आ रही है, दूसरी जगह भी 2 आ रही है। और आउटर प्लेन पे देखिए, जो 7 पोजीशन पर कार्बन है वो क्या है, हमारी 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसकी पाथ लेंथ लिखेंगे। तो 2 और 2 तो कोई मैटर नहीं करता, कोई भी लिखे, अगर ज़्यादा होती तो हम इसको पहले लिखते और 2 बाद में, ठीक है, और आउटर प्लेन वाली लास्ट में जो कि 1 है। क्लियर। तो ये हो गया इसकी पाथ लेंथ जो हमने निकाली। अब इसकी पूरी नेमिंग लिखने पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे प्रीफिक्स ऐड करेंगे वर्ड दैट इज बायसाइक्लो। बायसाइक्लो के बाद हम जो पाथ लेंथ लिखेंगे वो क्या होगी, 2.2.1। क्लियर। और सफिक्स ऐड हो जाएगा हेप्ट टू इन। क्लियर। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आईयूपीएसी नेम इस कंपाउंड का। अब देखते हैं ऑप्शंस में किससे ये मैच हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 में देखिए, बायसाइक्लो 2-2-1 हेप्ट 2 इन दे रखा है, तो ये पहले कंपाउंड में ही हमारा मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। तो बाकी ऑप्शन भी देख लें उनमें क्या गलतियां हैं जो ऑप्शन मैच नहीं होंगे। तो बायसाइक्लो 2-2-1 हेप्ट 5 इन दे रखा है, मतलब इन्होंने जो नंबरिंग करी है वो लेफ्ट हैंड साइड से करी है, जबकि हमें प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को पहले देनी है, तो ये रॉन्ग ऑप्शन हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 जिसमें बायसाइक्लो 2-1-2, यहाँ पे पाथ लेंथ में क्या किया है उन्होंने, इसको किसी भी ऑर्डर में लिख दिया, जबकि हमने कैसे लिखना है इसे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्लियर। तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन हो गया। अब देखिए ऑप्शन नंबर 4 में बायसाइक्लो 1-2-2, इसमें भी इन्होंने जो कंपाउंड में पाथ लेंथ लिखी हुई है वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।